हेलो एवरीवन, दिस इज नीलू ओपन यहाँ खान एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूपी में केवीएस की टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली है। ये गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू है, कब वॉक इन इंटरव्यू है और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन सी वैकेंसी के लिए, टीजीटी और पीजीटी, ये बता दूँ, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज हैं और किन किन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सारी डिटेल को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी गेस्ट टीचर की अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वैकेंसी निकलती है ना, तो उसका इंटरव्यू ज़रूर दिया करें, खासकर वो बच्चे जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी निकली है, ये आपके यूपी के फैज़ाबाद जगह से निकली है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब जो वॉक इन इंटरव्यू है, वहाँ आपको जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जो वॉक इन इंटरव्यू है वो आपका 16 तारीख का है, यानी कि आज आपको ये 14 तारीख को वीडियो मिल रही है, यानी कि परसों आपका इंटरव्यू है। सुबह 8 बजे हर हाल में आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ टीजीटी और पीजीटी में कौन कौन सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और आप लोगों से मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग इंटरव्यू ज़रूर दिया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका खुद की एक इंटरव्यू फेस करने की, या फिर कह लीजिए खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है इन सब चीज़ों के साथ डील करने से, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाकी हमारे सब्जेक्ट की भी यहाँ वैकेंसी है। ऑलमोस्ट वैकेंसीज यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि वैकेंसी जो है, ये वॉक इन इंटरव्यू जो है 16 अक्टूबर का है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक दिन है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जो बच्चे चाहते हैं लगना, ठीक है, उन तक ये वीडियो मिल जाए। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं आपकी, पीजीटी हिस्ट्री की है, पीजीटी भूगोल की है, पीजीटी आपकी विज्ञान की है, ओ सॉरी, टीजीटी साइंस की है, और पर ये आपकी टीजीटी सोशल साइंस की है, टीजीटी आपकी गणित की है और टीजीटी आपकी हिंदी की है, और संगीत कोच की भी वैकेंसी है। यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है घर में, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दी ये चीज़ें। अब बात रही डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। आपको पता है कि केवीएस की जो वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन होती है, ठीक है, उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, चाहे वो टीजीटी के लिए हो पीजीटी के लिए हो, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर गेस्ट टीचर में भी मांगा जाता है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को टीजीटी एसएसटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ कि कौन बच्चा टीजीटी एसएसटी का इंटरव्यू देने जा सकता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने 3 साल पढ़ी हो, और एक आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में से, तब तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी डिटेल में मैंने सारे ही सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखे हैं, आप उन्हें देख लेना, ठीक है, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर एलिजिबल हो तो जाके इंटरव्यू ज़रूर देना, इससे बहुत चीज़ें आपकी खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।